हेलो फ्रेंड्स, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं स्टफ्ड करेला, यानी कि भरवा करेला, जिसे कि हम 5 मिनट में बनाएंगे कुकर में, और जो कि बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और पूरा वीडियो देखें। इसमें मैंने सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं कि आपको किस तरह से भरवा करेला बनाना है जिससे कि वो बिल्कुल कड़वा नहीं हो। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। तो चलिए हम भरवा करेला बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, भरवा करेला बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्री की जरूरत है वो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ हमने 250 ग्राम करेला ले लिया है, और उसके बाद यहाँ हमने 1 छोटी चम्मच जीरा ले लिया है, 1 पिंच हींग ले लिया है हमने, और आधे नींबू का रस निकाल के हमने ले लिया है इसमें, 3 से 4 चम्मच ऑयल, और उसके बाद ये कुछ मसाले हमें चाहिएंगे मसाला बनाने के लिए। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, और 1 छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, आधी छोटी चम्मच नमक ले लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 छोटी चम्मच हमने अमचूर पाउडर ले लिया है। तो सबसे पहले हम करेला जो हमने लिया है इसे छील करके तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने करेले छील करके तैयार कर लिए हैं। आपको भी करेले बिल्कुल इसी तरीके से छीलने हैं, बिल्कुल साफ, इनमें छिलका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको छीलें। और उसके बाद आपको इनको पानी डाल करके इसमें और हाथों से अच्छे से मसल मसल के 3 से 4 पानी इनको धोना है। इस तरीके से हम 3 से 4 बार इसको पानी से धोएंगे। फ्रेंड्स, हमने करेले अच्छे तरीके से धो लिए हैं। इस तरीके से 3 से 4 बार धोने से इनका जो भी कड़वापन है वो निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। हम करेले का मसाला बना लेते हैं। हम भरवा करेला बना रहे हैं तो इसका मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। आप फ्रेंड्स, जो हमने सारे मसाले लिए हैं वो हम इसी नींबू के रस में मिला देंगे। फ्रेंड्स, हमने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं अच्छे से, ताकि नींबू के रस का खट्टापन भी इसमें अच्छे से आ जाए। और यदि इस समय हमें मसाला थोड़ा ड्राई लगता है तो हम इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी इसमें मिला रही हूँ, 1 चम्मच के आसपास। ये हमारा मसाला बिल्कुल करेले में भरने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, हमने मसाला बना लिया है। अभी हमें जो हमने करेले धोकर के साफ करके रखे हैं उसके बीच में इस तरीके से एक कट लगाना है। इस तरीके से हम इसमें मसाला भरेंगे। सारे करेले में हम ऐसे ही कट लगा देंगे। कोई बहुत लंबा करेला है तो उसे आप 2 टुकड़ों में काट सकते हैं और उसके बाद ऐसे कट लगाएं आप। तो फ्रेंड्स, हमारे करेले और हमारा मसाला दोनों ही चीजें तैयार है। अभी हम करेले में स्टफिंग कर देते हैं। थोड़ा मसाला आप हाथ में ले करके इस तरीके से पूरे करेले में आप मसाला भर दें अच्छे से, और अच्छी मात्रा में मसाला भरें। भरवा करेले ज्यादा मसाला होता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, हमने सारे करेले मसाला भर के बिल्कुल तैयार कर दिए हैं। अभी हम इन्हें कुक करेंगे। फ्रेंड्स, हमने कुकर रख दिया है गैस पे, और अभी इसमें हम जो हमने ऑयल लिया था वो ऑयल हम इसमें डाल देंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब तक हम वेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम जीरा डाल देंगे, और जीरा तड़क जाए उसके बाद हम हींग डाल देंगे, और उसके बाद हमने जो करेले भरवा बना के रखे हैं, यानी मसाला स्टफ करके रखे हैं, उन्हें हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इन्हें एक बार अच्छे से चला लें।
भी इसको एक मिनट तक ढक करके ऐसे ही फ्राई होने दें। फ्रेंड्स, एक मिनट हो चुका है और हमारे करेले और इसका जो मसाला हमने इसमें भरा था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम लेड लगा देंगे कुकर की और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम विसल बजने तक इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये अभी सीटी में से जो आवाज आने लग गई है यानी इसमें काफी स्टीम इकट्ठी हो गई है, हमें सीटी पूरी नहीं लेनी है, बस इसी स्टेज पे हमें कुकर को बंद कर देना है। वो भाप में जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने गैस ऑफ कर दिया है और अभी जो इसमें स्टीम भरी हुई है इसका प्रेशर जब तक अपने आप खत्म ना हो जाए इसको नहीं खोलें। इसी प्रेशर में यानी इसी स्टीम में ये हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे कुकर का प्रेशर निकल चुका है तो अभी हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे करेले बन चुके हैं या नहीं। हमारे भरवा करेले बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुके हैं, ये देखिए आप, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कुकर में करेले बनाना कितना आसान है, और वो भी स्टफ्ड करेला जो कि बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गए हैं हमारे बहुत ही जल्दी से। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं और जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई है वीडियो में तो उनको आप जरूर फॉलो कीजिए। अरे, बहुत ही जल्दी और बहुत टेस्टी करेले बन के तैयार होते हैं जो कि बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। तो आप जरूर ट्राई करें इसे घर पे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तुरंत देख सकें। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।